सूरतुन निसा की आयत नंबर 130, यह भी एक क्रिटिकल आयत है। और यह इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने जहां पर मियां बीवी के बॉन्ड को इतनी अहमियत दी है कि आखिरी दर्जे तक अवॉइड किया है कि मियां बीवी के दरमियान तलाक ना हो, लेकिन एक रास्ता खोल दिए कि बाज़ुकात नागुजीर हो जाता है तलाक वाला मामला। तो उसके बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया वाइन यतफर्रका, अगर मियां बीवी दोनों जुदा हो जाएं कंसेंसस के साथ, वो ये तय कर ले कि अब हम एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं कर सकते, युग्निल्लाहु कुल्लम मिन साअती, तो अल्लाह ताला सबको जो है वो वसी बख्शिश से उनके लिए को रास्ता निकाल देगा। वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, और अल्लाह ताला वुसत वाला है और हिकमत वाला है। यानी अगर मियां बीवी किसी मामले में अलग हो जाते हैं तो अल्लाह ताला दोनों के लिए को राह निकाल देगा, यानी उस बीवी को कोई नया अच्छा शोहर दे देगा और उस शोहर को कोई नई अच्छी बीवी मिल जाएगी। यानी अगर ये नजर आ रहा है कि रिश्ता निभने वाला नहीं है तो जबरदस्ती वो रिश्ता आपने निभाना नहीं है। और हमारे मुआशरे में यही होता है, अक्सर आप सुनते हैं ना 20 साल बाद तलाक होगी, 30 साल बाद तलाक होगी। क्यों? वो रिश्तेदारों के प्रेशर की वजह से रिश्ता चल रहा होता है, या औलाद की वजह से कंप्रोमाइज करने की वजह से चल रहा होता है। तो शुरू ही में अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए अगर आपको ये नजर आ रहा है कि ये मामलात आगे नहीं चल रहे। लेकिन वो बात अपनी जगह मौजूद है, सुन्नत अबी दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला को हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा तलाक है। हलाल हलाल इसलिए कि बाज़ुकात वाकई जरूरत पड़ सकती है। अब किसी की औरत जो है वो खुली बेहयाई पे उतरी हुई और बार बार समझाने के बावजूद बाज नहीं आ रही, तो जाहिर है फिर आखिरी हाल तो यही है ना, ये ना हो कि वो उसकी औलाद को भी बर्बाद कर दे, तो आखिरी डिसीजन तो है। लेकिन उसमें कुरान में कहा गया कि अगर कोई औरत बेहयाई पे उतरे, सूरह निसा में ही गुजरे, तो सबसे पहले उसे अपने बिस्तर से अलग करो, फिर भी ना वो माने फिर उसे मारो, लेकिन मारने में वैश्यों की तरह नहीं मारना, जैसे एक बच्चों को तंबीह के लिए माना जाता है मारा जाता है, वो भी बुखारी मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया। तो आखिरी दर्जे का तलाक को अवॉइड किया गया, लेकिन बाज़ुकात जेन्युइन जरूरत पड़ जाती है, जबरदस्ती के रिश्ते निभाना ये तो बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है, इसलिए उसको हलाल करार दे दिया गया। और कुरान की आयत उसको सपोर्टिव है कि अगर मियां बीवी मर्जी से अलादा होना चाहते हैं तो अलादा हो सकते हैं, ये कोई गाली नहीं है। वो जो हदीस में आया कि आखिरी दर्जे तक अवॉइड करना है और हलाल चीजों में नापसंदीदा उस सूरत में है जब आप किसी के साथ नाहक कर रहे हैं। और दूसरा, अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि खानदानी निजाम टूटे, लेकिन अगर खानदानी निजाम इस अलादगी से बचता हो फिर अलादगी में आफियत है। अगर जिस्म पे ऐसा फोड़ा निकल आए कि जो पूरे जिस्म को ताफुन का शिकार करके इंसान की मौत का सबब बन सकता है और वो टांग कटवानी पड़ जाए, तो टांग कटवाने में कोई हर्ज नहीं, जान तो बचेगी ना, बाकी वो ठीक है। सही मुस्लिम में हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ, शाम के वक्त सारे चेले उसके इकट्ठे होकर पूरे दिन की कारगुजारी उसे सुनाते हैं। कोई कहता है मैंने आज फलां शख्स से चोरी करवाई, कोई कहता है मैंने फलां शख्स से बदकारी करवाई, तो वो शैतान इंप्रेस नहीं होता। फिर एक चेला आके कहता है कि आज मैंने मियां बीवी के दरमियान अलहदगी करवा दी, तो शैतान उसे गले लगा के मिलता है कि असल काम तूने किया है, क्योंकि बाकी सारे गुनाहों की मां यह है कि खानदानी निजाम टूट जाए। खानदानी निजाम मियां बीवी के दरमियान जो बॉन्ड है वो औलाद और सेक्स है, दोनों में से एक चीज भी खराब हो जाए मियां बीवी का रिश्ता नहीं चल सकता। और औलाद की परवरिश तो है ही मां बाप की वजह से, आप देख लें कि जिनके मां बाप की तलाक बचपन में हो जाती है ऐसे बच्चों के मेंटल मॉडल्स बदल जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए, फिर सौतेली माएं या सौतेले बाप उनके साथ क्या शुरू करते हैं। ऐसी औरतों की अगर बच्चियां हो गई और शादी हो, उनको अपने नए खामन से अपने बच्चियों के बारे में खतरा लगा रहता है। इसी तरीके से सौतेली माएं भी बड़ा बुरा शुरू करती है, तो ये एक बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए यानी शैतान को भी पता है कि मैंने खानदानी निजाम बर्बाद किया तो मैं दुनिया की हर बुराई इसके जरिए इंजेक्ट कर सकता हूं मुआशरे में, इसलिए फिर
इस चीज को नापसंदीदा करार दिया गया। हत्ता के जामिया तिर्मिजी में हदीस है कि जो औरत बगैर किसी वजह के अपने खामन से तलाक लेगी, कयामत वाले दिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। अलबत्ता वो तलाक ले सकती है, खुला ले सकती है, ये उसका हक है, दुनिया में एस्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन अगर उसने बगैर वजह के लिया तो जानबूझ के जाहिर है कि उसने एक लटकता हुआ छोड़ दिया ना पूरा खानदान। और ये अल्लाह का शुक्र है हमारे मुआशरे में काफी हद तक कंट्रोल है। अभी ये कुछ मीडिया की वजह से तलाकें बढ़ना शुरू हुई हैं, अदरवाइज सब कॉन्टिनेंट का मुआशरा अल्लाह के फजल से यानी औरतें आखिरी दर्जे तक कंप्रोमाइज करके खामदों के साथ चलती हैं, आखिरी दर्जे तक इखलास के साथ। ये जो आपको कुछ दो चार वाकयात वो बता रहे होते हैं ना टीवी पे या सोशल मीडिया पे, 22 करोड़ की आबादी में अगर दो चार वाकयात रिपोर्ट हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी मुआशरे में यही हो रहा है, इस तरह नहीं हो रहा होता, चंद एक वाकयात होते हैं, ओवरऑल मामला दुरुस्त होते हैं। बस इसका साइमल्टेनियस कंट्रास्ट है कि अगर किसी मर्द ने भी किसी औरत को नाहक तलाक दी तो उसके ऊपर भी ये वईद फिट हो। सही मुस्लिम में हदीस है कि कोई शख्स अपनी बीवी से बुग्ज ना रखे, अगर तुम्हें उसकी कुछ आदतें नापसंदीदा हैं तो उसकी कुछ आदतें अच्छी भी हों। मैं समझता हूं कि दुनिया की हर औरत में जो बीवी है एक आदत ऐसी है जो मर्दों में बड़ी कम होती है, और वो ये है कि औरत का गुस्सा बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। सेफ्टी वाल्व है अल्लाह ने उसके अंदर रखा, उस टाइम तो लग रहा होता है कि अगर इसको तलाक का इख्तियार हो तो मुझे आज ही फारिग कर दे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, ये उसकी नेचर है। ये इतनी बड़ी खूबी है जो मर्द के अंदर बहुत कम पाई जाती है। मर्द अपने सब्र की वजह से मामलात को लेके चलता है, लेकिन औरत जो है वो इतनी जज्बाती नेचर की है कि वो तो उस वक्त फौरन कर गुजरे, इसलिए अल्लाह ताला ने तलाक का हक मर्द को दिया, अदरवाइज तो रोजाना तलाक हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें मर्द अपने दिल के अंदर पुरानी बातें भी गुस्सा रखता है, लेकिन औरत वो चीजों को वक्त के साथ भुला देती। अब कोई फप्पे कुटनी औरत है ना उसका तो लाज नहीं है, आप कह रहे हैं फलानी जड़ी है वो तो हो तौबा तौबा, वो तो वाकई वो तो फिर 1000 मर्द पे भी भारी होती है ऐसी औरतें, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर औरतें अपने खामदों के साथ मुखलिस होती हैं और कंप्रोमाइज करती हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने यानी औरतों के साथ बुज़ रखने से मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर आते कुछ होंगी उनकी बुरी तो अच्छी भी होंगी, उनको याद कर लो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि औरत के साथ अपनी बीवी के साथ हमेशा खैर और भलाई से पेश आते रहो। तो जी कैटागोरिकल हुक्म है, और इसे सीधा करने की कोशिश ना करो, ये आदम की टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसे अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ बैठोगे, और इसे तोड़ना इसे तलाक देना है, इससे नफा हासिल करो, और हमेशा खैर और भलाई से पेश आते रहो, पॉजिटिव एंड पे खड़े रहो। हत्ता के बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत की औरतों को कसरत के साथ जहन्नम में देखा है। साहबा ने पूछा क्यों, फरमाया अपने खामदों की नाशुकरी करने की वजह से। फिर हुजूर ने फरमाया कि ये यहां तक नाशुकरी करती हैं कि अगर इनका खामद पूरी जिंदगी इनके साथ खैरो भलाई करता रहे और कभी कोई नागवार चीज खामद से इन्हें पहुंचे तो ये कहती हैं कि जब से तेरे अकद में आई हूं मैंने खैर का एक दिन भी नहीं देखा। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में। तो सर ये हदीसें अगर आपको पता हो ना तो आपको बीवियों की हरकतों के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, हंसी आएगी। ये बिल्कुल हुजूर ने भी यही कहा था, होता है। हम तो अल्लाह के फजल से कई दफा इस तजर्बे से गुजरे हैं, ठीक है, तो सब लोग गुजरते हैं। तो फिर जब कोई इस तरह बीवी किसी के साथ कर रही हो ना तो उसको चाहिए वो कहे सदका रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आपने सच कहा था, ऐसे ही होता है, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है। आप देखे हुजूर ने कई तरगीब ये नहीं दिलाई है कि ऐसी औरत को छोड़ दो, फरमाया ये औरतें ऐसी ही होती हैं, उनके साथ इस तरीके से गुजारा करो। और औरतों को कहा कि तुम्हें मैंने जहन्नम में कसरत में देखा है। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, उसमें अल्फाज है कि तुम अपनी जुबान से अपने शोहरों को तकलीफ देती हो, ऐ औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका करो ताकि तुम जहन्नम से बच सको, मैंने कसरत के साथ तुम्हें जहन्नम में देखा है अपने खामदों के साथ नाशुकरी करने की वजह से। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया था सुन्न अबी दाऊद में हदीस है कि अगर मैं सजदा जायज समझता तो औरतों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें, उस हक के सबब जो अल्लाह ने
उनको दिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब खावंद जो है वो जबरदस्ती उसके साथ करना शुरू करेगा, उस पर जुल्म करना शुरू कर देगा, नहीं। जामिया तिर्मिजी में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हमने तो ये देखा है कि जितने दुनिया में लोग बार बार अखलाक है ना, मशहूर है कि जी क्या अखलाक है, घर में उतने बड़े वो कुत्ता नेचर के लोग बने होते हैं, यानी कुत्ते से भी ज्यादा उनकी जुबान सख्त होती है। मेरे ना बार जितनी सुन के आते हैं ना, वहां लोगों के सामने रख रखा उन्होंने रखा होता है, लोग हमारी तारीफ करते हैं और सारा बाहर वालों का गुस्सा आके बीवी बच्चों में निकालते हैं। ये कोई कमाल नहीं है, कमाल यह है कि आप अपने घर वालों के लिए टॉलरेंस शो करें। यह मुश्किल काम है और इंसान अपने घर में ही पता चलता है, जब अपने बीवी बच्चों के साथ क्या सलूक है तो उसका करेक्टर वहां पर पता चलता है कि वो कितना खुश अखलाक है, कितना दीन पे चलने वाला है। बाहर तो सारा बनावटी होता है ना, लबादे उड़े हुए होते हैं, वो तो आप जो मर्जी करवा लें। इसी तरीके से एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, प्रैक्टिकल। सईद आयशा कहती हैं कि एक दिन मस्जिद नबी के अंदर हबशी जो है वो नेजों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, खेल रहे थे मस्जिद के अंदर, तो मैंने हुजूर से ख्वाहिश का इजहार किया, या रसूलल्लाह मैंने ये खेल देखना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे सामने खड़े हुए, तो मैं उनके पीछे पर्दे में खड़ी होगी, क्या हुजूर को ओट बनाते हुए, और मैं हबशियों के उस खेल को देखना शुरू हो गई। और फिर सईद आयशा कहती हैं कि तुम सोच सकते हो कि एक कम उम्र की लड़की कितनी देर तक शौक से वो खेल देख रही होगी, और मैं जितनी देर खड़ी रही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी देर खड़े रहे, यहां तक कि मैं खुद थक गई, तो फिर आप अलैहिस्सलाम अलग हुए, वरना आप अलैहिस्सलाम की ड्यूटी देते रहे। आप दादा करें एक बीवी के साथ ये उसने शुरू। फिर सुन्न नबी दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने सईद आयशा से एक दफा कहा कि दौड़ लगाते हैं, तो हजरत आयशा आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। फिर सईद आयशा कहती है काफी अरसे के बाद हुजूर ने कहा कि आज फिर दौड़ ना लगाएं, और फिर वो कहती है मैं उस वक्त थोड़ी फरबा हो चुकी थी, बल्की हो चुकी थी, मेरा वजन बढ़ चुका था, तो हुजूर मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। तो हुजूर ने फरमाया ये उस वक्त का बदला उतर गया, उस वक्त भी हुजूर की शफकत ही थी, हुजूर से आगे कौन निकल सकता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे आप अंदाजा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम यानी 50-60 साल की उम्र में भी कितने एक्टिव और कितना अपने वजन को कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन मौलवियों को आप देखें इनकी तौंदे, इनसे पूछें ये तुम लोगों ने दाढ़ी में और पगड़ी में तो हुजूर की सुन्नत पे अमल किया हुआ है, ये पेट किसकी सुन्नत है, बनू उमैया की। बस इतना ही मैं कहूंगा, बाकी इनको पता चल जाएगा क्या कहना। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर उनका जो उनको देखे, फिर उनका जो उनको देखे, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे, बैठ के वजीफे लगे होंगे, बैठ के खाएंगे और इतने इतने उनके पेट निकले होंगे, मोटापे को पसंद करेंगे। मुराद नहीं है कि उनको मोटे लोग अच्छे लगे, मुराद ये कि खुद मोटे होंगे, तो खुद मोटा तो होता है खाने से। ये जो लोग कहते हैं ना मैं ऐना जा खाना पर के करना वजन नहीं कटता, झूठ मार देने, खाते हैं वो ज्यादा, खाना छोड़े तो वजन आपका वापस आ जाए। तो मोटापे को पसंद करेंगे, और ये आप उलमा देख लें, इनका पूरा के पूरा दीन सफेद कपड़ों में, टखनों से शलवार ऊपर करने में, पगड़ी बांधने में, दाढ़ियों की लंबाई में, जुल्फे रखने में, तस्बीह पकड़ने में। इनको कभी पूछें कि आप कहते हैं ना सुन्नत के मुताबिक गेटअप अडॉप्ट करना है, तो सुन्नत के मुताबिक पेट नहीं रखना। नबी इस्लाम का तो पेट निकला हुआ नहीं था, और आप तो इस चीज को ना पसंद फरमाते थे। आप उलमा को देखें, बांस तो ऐसे हैं जो बड़े साइज के सोफे में बड़ी मुश्किल से पूरे आते हैं। ये जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूं ना, तो आप ये देख लें कि जितना मैं बैठा हूं इतनी ही जगह दाएं बाएं खाली है मिला के, वो तो इस कुर्सी पे पूरे भी नहीं आ सकते। तो अंदाजा करें, तो गेटअप में आपने इस चीज को भी अडॉप्ट करना है। बल्कि मैंने ये सारी इससे जो रिलेटेड चीजें थी वो बता दी है कि बीवियों के साथ उसने सलूक करना है, और अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई वर्स्ट केस आए, वो तो यहां तक भी आया है कुरान हकीम में कि एक हकम जो है वो बीवी की तरफ से और एक हकम खामद की तरफ से बैठेगा, यानी दोनों तरफ से एक बड़ा बैठे और उनके दरमियान सुलह सफाई की कोशिश करें। इस्लाम आखिरी दर्जे तक कहता है कि मियां बीवी का आपस में रिलेशनशिप टूटे ना,
लेकिन अगर टूटेगा तो यह कोई इतनी बड़ी गाली नहीं है कि जिंदगी किसी की बर्बाद होगी। अगले जमानों में गाली इसको माना भी नहीं जाता था। सैयदा अस्मा बिनते उमैस, ये किनकी बीवी थी? सैयदना जाफर तैयार की, जो गजब मोता में शहीद हुए थे, सही बुखारी में आता है, ये उनकी बीवी थी। वो गजब मोता में शहीद हुए तो हजरत बकर सदीक ने शादी कर ली थी। हजरत जाफर हजरत अली के भाई थे, ये हजरत अली की भाभी लगती थी। तो जाफर शहीद हुए तो हजरत अबू बकर ने शादी कर ली। बुखारी मुस्लिम में आता है कि जिस साल हुजूर ने हाज किया उस साल इनसे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत बकर सदीक के बेटे, और उनकी वालदा कौन? अस्मा बिनते उमैस, वो पैदा हुए। फिर जब हजरत बकर सदीक फौत हो गए तो हजरत अली ने इनसे शादी कर ली, अस्मा बिनते उमैस। और फिर मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश हजरत अली ने की, इसीलिए जंगे जमल में हजरत अली की तरफ थे हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, बेटे हजरत बकर के थे, लेकिन परवरिश क्योंकि उनकी वालदा ने इनके साथ निकाह कर लिया था। तो आप देखें उस जमाने में इस चीज को कोई ऐब नहीं समझा जाता था। हुजूर इस्लाम की भी एक बीवी है जो कुंवारी है, सैयदा आयशा, बाकी सारी आपकी बीवियां 10 बीवियां इनके अलावा टोटल 11 और एक वक्त में 9, वो सब की सब या तलाक याफ्ता है या बेवी, कुंवारी कोई भी। पहली शादी इंसान की सबसे चार्मिंग शादी होती है ना, वो भी एक बेवा औरत है, और उनकी जिंदगी में हुजूर ने दूसरी शादी भी नहीं की, 24 साल तक कोई दूसरी शादी नहीं की। ये आपकी जितनी शादियां हैं ना, ये आखिरी 8-10 साल की हैं, उससे पहले आपकी एक ही शादी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खानदानी निजाम को मजबूत करने के लिए इस चीज के ऊपर जोर दिया कि तलाक ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर खुश असलूबी के साथ मामलात को लेकर चले, अल्लाह ताला कोई बेहतर राह निकाल देगा। इसी को सपोर्टिव हदीस है सही मुस्लिम में, उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि जब अबू सलमा मेरे खामन फौत हुए तो मैं बड़ी दुखी थी, लेकिन हुजूर ने एक दुआ सिखाई थी, वो मैंने पढ़ ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो सूरतुल बकरा में भी हिस्सा आता है, हम भी अल्लाह की तरफ से हैं, हमें भी अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, लिहाजा जो तकलीफ आई वो भी अल्टीमेटली जब हमने भी अल्लाह के पास पहुंच जाना है तो कोई तकलीफ आएगी तो वो भी एंड हो जाएगी, इंसान ने खुद भी एंड हो जाना। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, एला इस मुसीबत में मुझे बेहतर अजर अता फरमा, और व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, और मेरे लिए इससे बेहतर कोई इसका नेमुल बदल मुकरर फरमा दे। तो कहती है मैंने हुजूर से सुना था जो ये दुआ पढ़ लेगा ना तो जब उसे कोई तकलीफ आएगी ना तो उस तकलीफ में से अल्लाह ताला उसके लिए कोई बेहतर खैर निकाल देगा। मैं दिल में फिर सोचती थी कि अबू सलमा से बेहतर खामन मुझे कैसे मिल सकता है, दुआ तो मैंने पढ़ ली। फिर कहती है जब इद्दत मेरी पूरी हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगामे निकाह भेज दिया, तो मैंने कहा वाकई अल्लाह ताला ने मुझे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा दिया। उम्मे सलमा फिर उम्मुल मोमिनीन बनी, और हुजूर की बीवियों में सबसे आखिर में ये फौत हुई है, वाकया करबला के भी 2 साल के बाद ये फौत हुई है 63 हिजरी के अंदर, यानी नबी इस्लाम के बाद ये ऑलमोस्ट 52 साल तक जिंदा रही है उम्मे सलमा सलामुल्लाहि अलैहा। तो ये दुआ भी जरूर याद करें जब भी कोई तकलीफ कोई छोटी बड़ी आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका बेहतर कोई अजर को नेमुल बदल अता फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। और मैंने तो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इस दुआ को कई दफा चेक किया कि अल्लाह ताला बेहतरी अता फरमा देता है। इंसान अल्लाह के साथ जुड़ा रहे तो इंशाअल्लाह खैर ही खैर इंशाअल्लाह। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों बाज आ रहे हैं, कुछ
जैसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नवाजिशों पर नवाजिशी है,